नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तरहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ फ़ोन पर बात की है। दोनों ने हिंसा को कम करने के लिए चल रहे राजनयिक और राजनीतिक कोशिशों पर चर्चा की। एक ट्वीट में विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन ने अफगान सरकार के साथ एक मजबूत राजनयिक और सुरक्षा संबंधों के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को जोर दिया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट में लिखा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज अफगानिस्तान के हालातों को लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की है। उन्होंने हिंसा को कम करने के लिए चल रहे राजनयिक और राजनीतिक कोशिशों की ज़रूरत पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान सरकार के साथ एक मजबूत राजनयिक और सुरक्षा संबंधों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता और अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमारी लगातार समर्थन पर जोर दिया है। अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मजार शरीफ पर कब्जे के बाद दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। मजार शरीफ पर नियंत्रण के साथ ही आतंकवादी अब पूरे देश पर कब्जा करने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। बीते दो दिनों में ब्लिंकन ने दूसरी बार गनी से बात की है। इससे पहले शुक्रवार को ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अशरफ गनी के साथ बात की थी और देश की ताज़ा सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा की। दरअसल अमेरिका ने 1 मई से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी शुरू की थी और महज थोड़े समय में ही तालिबान ने बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिका के इस एक फैसले ने अफगानिस्तान को बर्बादी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देशवासियों को संबोधित भी किया था। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो 20 साल की उपलब्धियों को बेकार नहीं जाने देंगे। तालिबान के हमले के बीच विचार विमर्श जारी है। उन्होंने टेलीविज़न के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। हाल ही के दिनों में तालिबान के जरिए प्रमुख इलाकों पर कब्जे जमाए जाने के बाद से ये उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।